हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था वो अप्रैल में होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है। और हमारा जो बैच था उसमें हमने समथिंग कंप्लीट सिलेबस करवा दिया, कुछ टॉपिक बचे हुए थे, बाकी हमने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया। और इसके अलावा हम बात करें करंट अफेयर की, देखो अब पेपर का कोई फिक्स पता नहीं कि पेपर अब कब होगा, ठीक है? अब पेपर का कोई फिक्स पता नहीं चल पा रहा कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन देखो, हमें यदि सिलेक्शन लेना है 918 में हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है, तो हमें अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, ठीक है? बिल्कुल हमें अपनी तैयारी को नॉन स्टॉप रखना है। ध्यान रखना, पेपर जितना लेट होगा ना, पेपर उतना ही डिफिकल्ट आएगा। बिल्कुल जायज सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 918 पोस्ट है। कितनी है? 918। और इनमें से कम 9000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल रेगुलर नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं। 918 पोस्ट है, कम से कम 9000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल नॉन स्टॉप बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू कॉल किया था, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिनका जेआरएफ है। मतलब ये 9000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, और इनकी पहले से भी बहुत शानदार वाली तैयारी थी, ठीक है? तो यदि हमें इन 918 में एक अपनी सीट फिक्स करनी है, तो हमें अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी होगी, ठीक है? तो हम अब लेके आए हैं मॉडल पेपर, बहुत शानदार वाले मॉडल पेपर हैं। उस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है उसका मैं एक डेमो वीडियो लेके आया हूँ आज, ठीक है? हमारे हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन रहेगा, कम से कम 3 से 4 लाइन का। हर क्वेश्चन में हम 3 से 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं ऐड कर रहे? भाई मैं आपका इसके थ्रू टेस्ट लेना चाहता हूँ, आप अपना खुद का एनालिसिस करो कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना तो आंसर दिखाया इस पीडीएफ में, और ना ही मैंने क्या किया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है? एक एक दो दो लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर साथ के साथ आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है? अब बात आती है मॉडल पेपर की। देखो, हम 12 मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, कम से कम, हो सकता है 12 से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन अब भी हम 12 मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। 12 में हर मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 1200। अब मैंने क्या बात बोली थी अभी आपको कि हम हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है? तो यदि हम 3 क्वेश्चन लेके चलते हैं डिस्क्रिप्शन के, तो 3600 क्वेश्चन और हो गए, ठीक है? मिनिमम यदि हम 3 क्वेश्चन भी लेके चलते हैं 3 लाइनों से, तो 3600 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 4800 के आसपास क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चनों से? मात्र 1200 क्वेश्चनों से, ठीक है? दूसरी बात, ये जो 1200 क्वेश्चन है, जो ये 100 क्वेश्चन है ना, हर पेपर के 100 क्वेश्चन, ये कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि चलो हमने कोई स्पेशल टॉपिक से बनाने, नहीं, जो आरपीएससी का जो थर्ड पेपर का कंप्लीट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पेपर बना रहे हैं। पूरा सिलेबस हम इंक्लूड कर रहे हैं, पूरा करंट इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? अब भी हम हाल फिलहाल अब तक का करंट इंक्लूड कर रहे हैं, आज मॉडल पेपर बन रहे हैं अब तक का। अब आप बोलोगे कि सर पेपर आगे हो गया है तो वो करंट हम कैसे पढ़ेंगे? तो भाई टेंशन मत लो, जब तक पेपर होगा तब तक का मैं आपको करंट प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं खुद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, अब टाइपिंग का काम चल रहा है, ठीक है? रेगुलर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी मैं टाइपिंग करवा रहा हूँ, तो टाइपिंग का काम चल रहा है। तो जब तक पेपर होगा तब तक का हम आपको करंट 100% बहुत शानदार तरीका प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये मॉडल पेपर का सेट है। अब ये पेपर कहाँ पर होंगे, तो देखो मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ, हमारा पहला मॉडल पेपर होगा 27 मई को, ठीक है? इसी 27 मई को, जो कुछ दिन बाद में आने वाली है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर होगा वो हमारा टेलीग्राम पर होगा, लेकिन उससे जो अगला मॉडल पेपर है जो 7 जून को होगा, हो सकता है वो अपने एप्लीकेशन पर हो जाए, क्योंकि मैं अपना एक एप्लीकेशन भी लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के और जीएस के थर्ड पेपर के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। बिल्कुल उसी टाइम के अकॉर्डिंग सारा का सारा बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग रहेगा, कि भाई एक क्वेश्चन आधा नंबर का, 2 घंटे का टाइम, बिल्कुल पूरा पूरा बहुत ही शानदार वाला सिक्वेंस रहेगा सारा का सारा, ठीक है? और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये मॉडल पेपर तैयार किए हैं। अब आप बोलोगे कि सर
हमें यदि 27 तारीख वाला हम यदि पेपर देना चाहें, यदि हम ये 12 मॉडल पेपर खरीदना चाहें, साथ ही जब तक पेपर होगा तब तक कि हम करंट भी पढ़ना चाहें, तो हम ये कैसे खरीदें? तो भाई लोगों, अब भी चार्ज है ओनली 200 रुपये। कितना है? केवल 200 रुपये चार्ज। अभी चार्ज ज़्यादा नहीं किया हमने, केवल 200 रुपये चार्ज किया है, बाद में ये 300 रुपये हो सकता है, चांस है 300 रुपये हो जाएगा जब एप्लीकेशन आ जाएगा। तो 27 मई तक ये चार्ज ओनली 200 रुपये। 200 रुपये में आपको इनडायरेक्टली अति महत्वपूर्ण 4800 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा पेपर है इसमें हमने थोड़ा सा लेवल कम डाला है, हमने थोड़ा सा कम लेवल लिया है। जो आगे के जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे, आज मैं 25 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, अब आगे के जो 75 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को मिक्स किया है। यदि स्टार्ट में यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा, हमने खुद ने सोचा है कि पहला मॉडल पेपर थोड़ा सा, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा हम एक मीडियम लेवल का डालते हैं, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बन पाए और एक हम डिमोटिवेट ना हो पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, आप देखना आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं, और यदि आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं तो हमारा मॉडल पेपर का बैच ले सकते हो 78-91-35-04-70। मात्र 200 रुपये में आपको 4800 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तरीके से हम बोलें तो 1 रुपये में अब आप अनुमान लगा लो कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। 1 रुपये में आपको 24 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। 1 रुपये में 24 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथ में जब तक पेपर होगा तब तक का करंट भी मिल रहा है, नाम मात्र चार्ज है 200 रुपये। कंप्लीट पेपर का जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे मॉडल पेपर है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, साथ के साथ आपको कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे को फीडबैक जरूर देना, आपको मॉडल पेपर कैसा लगा ये भी आप जरूर बताना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन लेके आए हम आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बार आप जरूर पढ़ना और बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो, निम्न में से किसने मारवाड़ की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया? बताओ, निम्न में से किसने मारवाड़ की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया? राव गंगा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी मोटा राजा उदय सिंह। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा? तो देखो, यहां पर सही आंसर होगा राव मालदेव, ठीक है, कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें मारवाड़ की ओर से शामिल कौन हुआ था? राम मालदेव हुआ था। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो जो खानवा का युद्ध था वो हुआ था कब? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। जो खानवा का युद्ध था वो कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? तो ये सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सांगा और बाबर के बीच में, सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राव चंद्रसेन को किसने भूला बिसरा राजा कहा था? बताओ, राव चंद्रसेन को किसने भूला बिसरा राजा कहा है? बताओ भाई लोगों, मुंशी देवी प्रसाद ने, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने, वी एन रेव ने, या कर्नल जेम्स टॉड ने? बताओ, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करनी है। और देखो, ये जब मेरा बैच चला था, हमने कंप्लीट सिलेबस करवाया, बहुत ही शानदार वाला बैच चलाया था, अलग अलग फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया गया था, राजस्थान हिस्ट्री अलग के द्वारा, राजस्थान ज्योग्राफी अलग के द्वारा, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के अलग के द्वारा, तो हमने वहाँ पर बिल्कुल इसी के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया, हमने बिल्कुल डीपली नहीं लिया। हमारा टारगेट केवल कॉलेज लेक्चर का थर्ड पेपर था, हमने किसी अदर एग्जाम का टारगेट लेके नहीं पढ़ाया, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप वो बैच भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, उसका चार्ज ओनली 500 रुपये। 500 रुपये में आपको जीएस का कंप्लीट थर्ड पेपर मिलेगा, और उसका हमारा टारगेट है कि आपके 80+ क्वेश्चन ठीक हों कम से कम, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेज लेक्चरर है इसमें 918 में हमारी एक सीट तब
फिक्स हो पाएगी जब हमारे जीएस में 40 प्लस नंबर आएंगे, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है, तो अब बताओ भाई साहब यहां पर सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहां पर सही आंसर है वी एन रेव। क्या आएगा? वी एन रेव। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा किसने कहा था? वी एन रेव ने कहा था। और यहां पर हम एक नई बात और लेके आए हैं, वो नई बात सुन लो मेरे प्यारे साथियों। जो राव चंद्रसेन था, जो राव चंद्रसेन है, इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रख लो, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहां पर हो गया आपका। इसी तरीके से हमने हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 लाइन ऐड की हैं। ठीक है, अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया था? बताओ भाई अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बताओ। यहां पर आपको सही आंसर बताना है। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे लाडलो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर टोटल 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 2 बार। वो कब किया था? 1299 से लेकर 1301 के बीच में। ठीक है, 1299 से लेकर 1301 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर टोटल 3 बार आक्रमण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? बताओ साबरमती की सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपको यह बताना है। जो हमारा इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने 2 बातें ऐड की है। पहली, साबरमती की सभी सहायक नदियां कौन कौन सी है। दूसरा, साबरमती कहां पर गिरती है। तीसरा, जो साबरमती है वो कहां से निकलती है। यहां पर जो हमारा आपको मॉडल पेपर, जो हमारा मॉडल पेपर खरीदोगे वहां पर इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपको ये 3 बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है तो जाखम। जाखम है जो साबरमती की सहायक नदी नहीं है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल है, सही है, हतमती है। और जो ये साबरमती नदी है ना वो कहां से निकलती है? उदयपुर। कहां से? उदयपुर। और उदयपुर में एक तहसील है जिसका नाम है कोटड़ी। क्या है? कोटड़ी। उदयपुर में एक कोटड़ी तहसील है, वहां से साबरमती नदी निकलती है। ठीक है, अब हम आगे लेके आए हैं अगला क्वेश्चन कि नूपुर नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बताओ भाई साहब जो नूपुर नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? हाथ की कलाई में, गले में, पैरों में या कमर पर? बताओ। नूपुर नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ की कलाई में, गले में, पैरों में या कमर में? बताओ। तो ध्यान से सुनना, जो नूपुर नामक आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? पैरों में। टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 3 बार लगता है या भरता है? बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये भी। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा मेला वर्ष में 3 बार भरता है। करणी माता का मेला, नागनीची माता का मेला, जसनाथ जी का मेला या जाम्बू जी का मेला? बताओ वर्ष में 3 बार कौन सा मेला लगता है भाई साहब? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। अरे मेरे प्यारे लाडलो, जो जसनाथ जी का मेला है ना वो वर्ष में 3 बार लगता है। कब कब लगता है? अब ध्यान से सुनो। पहला लगता है अश्विन शुक्ल सप्तमी को। कब? अश्विन शुक्ल सप्तमी को। दूसरा लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। और तीसरा लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, जो जसनाथ जी का मेला है वो कब कब लगता है? अश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। अब आपको क्या क्या याद करना है?
अश्विन, माघ और चैत्र, ये तीन महीने याद करने हैं, बाकी शुक्ल सप्तमी तीनों में बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो जसनाज का मेला है वो शुक्ल सप्तमी में लगता है। महीना कौन कौन सा है, तो एक अश्विन का है, दूसरा माघ का है और तीसरा चैत्र का है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है अगला भी। एक बार कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे तो 100% मॉडल पेपर ज्वाइन करो, मात्र चार्ज है 200 रुपये, भी बाद में चार्ज बढ़ जाएगा देख लेना, जैसे हमारा बैच का चार्ज भी बढ़ता गया था। मीरा के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे, बताओ मीरा के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे, भोजराज थे, विक्रमादित्य थे, राणा मोकल थे या राणा संग्राम सिंह थे, बताओ मीरा के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे। अरे मेरे प्यारे लाडलो, मीरा के समय, बताओ जल्दी बताओ, अरे मीरा के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे, विक्रमादित्य थे। कौन थे, विक्रमादित्य, और ये विक्रमादित्य किसके बाद बने थे, तो ये राणा सांगा के बाद बने थे, किसके बाद, राणा सांगा के बाद, ये ध्यान रखना। अरे मीरा के समय चित्तौड़ के राजा कौन था, विक्रमादित्य था, और इससे पहले कौन था, राणा सांगा था। राणा सांगा किसके, राणा सांगा के बाद, राणा सांगा के बाद चित्तौड़ का राजा कौन बना था, तो वो था विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सीक्वेंस में भी याद करना है। उसके बाद संत दादू की भेंट अकबर से किसने करवाई, संत दादू की भेंट अकबर से किसने करवाई, राजा भारमल ने, राजा मानसिंह फर्स्ट ने, चगताई खान ने या रज्जब जी पठान ने, बताओ भाई साहब, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये भी, आपको सही आंसर बताना है इसका, कि संत दादू की भेंट अकबर से किसने करवाई थी। अरे भाई साहब, संत दादू की भेंट अकबर से किसने कराई थी, राजा भारमल ने, किसने करवाई थी, राजा भारमल ने, और कब करवाई थी, अरे भाई साहब 1585 में, कब की बात है, 1585 में संत दादू की भेंट अकबर से राजा भारमल ने करवाई थी। ठीक है, और कहां पर हुई थी भाई साहब, ये हुई थी फतेहपुर सीकरी में, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत सारी बार सुना होगा, आपको राजस्थान थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो फतेहपुर सीकरी के बारे में जानते होंगे आप लोग। ठीक है, अब फतेहपुर सीकरी कहां पर है, क्या है, इसके बारे में मैं अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो संत दादू की भेंट अकबर से करवाई थी राजा भारमल ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में। हमने यहां पर सभी से बराबर बराबर क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आगे देखो, किसने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन गोगा जी के रसावला में किया, बताओ भाई साहब कि किसने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन गोगा जी के रसावला में किया था, बीठू सूजा ने, कवि मेगा ने, आसिया माऊजी ने या शिवदास गाउंड ने, बताओ भाई साहब। 90 क्वेश्चन का आंसर दो सभी के सभी। अरे भाई साहब, गोगा जी के रसावला में किसने किया था, कवि मेहा ने, किसने, कवि मेहा ने, अरे मेरे लाडलो किसने, कवि मेहा ने किया था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रणथंभौर के शासक हम्मीर के व्यक्तित्व एवं चरित्र पर प्रकाश डालता है, बताओ निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो रणथंभौर के शासक हम्मीर के व्यक्तित्व एवं चरित्र पर प्रकाश डालता है, हम्मीर रासो, हम्मीर रायण, हम्मीर रहट और उपरोक्त सभी। 10वें क्वेश्चन का आंसर दो भाई साहब, हम्मीर रासो, हम्मीर रायण और हम्मीर हट, हट भी बोलते हैं इसको, हट भी बोलते हैं, हट भी बोलते हैं और हट भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश उच्चारण है, बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ रणथंभौर के शासक हम्मीर के व्यक्तित्व एवं चरित्र पर प्रकाश डालता है, और वह कौन सा है भाई साहब, हम्मीर हट है, कौन सा है, हम्मीर हट, और इसके लेखक कौन थे, चंद्रशेखर थे, कौन थे, चंद्रशेखर, और कौन थे मेरे प्यारे लाडलो, चंद्रशेखर इसके लेखक थे। तो हम्मीर हट किसने लिखा था,
चंद्रशेखर ने लिखा था, किसके ऊपर थी? तो शासक हम्मीर के व्यक्तित्व और चरित्र पर। अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन, संत चरणदास डूंगर सिंह संत लालदास की रचनाएं निम्न में से किस बोली में हैं? संत चरणदास डूंगर सिंह संत लालदास की रचनाएं निम्न में से किस भाषा में हैं? बताओ भाई साहब कौन सी भाषा में है ये बताना है। मालवी में है, अधि अहिरवाटी में है, रांगड़ी में है या मेवाती में है? बताओ भाई साहब, चार ऑप्शन है आपकी नज़र के सामने, मालवी, अधि अहिरवाटी, रांगड़ी या मेवाती। तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पर सही आंसर होगा मेवाती में। अरे संत चरणदास डूंगर सिंह संत लालदास की जो रचनाएं हैं जो किताबें हैं वो किस में भाषा में हैं? तो वो मेवाती भाषा में है। किस में है? मेवाती भाषा में। तो ये मॉडल पेपर आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं जो डिस्क्रिप्शन है मैं केवल एक एक दो दो लाइन ही बोल रहा हूँ, बाकी हर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 लाइन का आपको डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। यहां पर हमारा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था इसलिए हमने साइड में टाइप किया इसको। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी बात है जो राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है। अरे बताओ मेरे प्यारे लाडलो, अरे अनुच्छेद 153 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 159 बोलता है कि राज्यपाल पद की शपथ। 155वां अनुच्छेद बताता है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 158 बताता है पद की शर्त। ध्यान से सुनना, राज्यपाल के संबंध में यहां पर टोटल 4 अनुच्छेद हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आपको यह बताना है कि यहां पर कौन सा सही नहीं है, आप प्लीज जरूर बताएं। ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन बी ए सी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ यहां पर सही आंसर क्या आने वाला है। अरे मेरे प्यारे साथियों यहां पर सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, ए और सी। अरे भाई साहब राज्यपाल के संबंध में ना तो ये सही है और ना ये सही है। सही कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ के बारे में बताता है, 158 पद की शर्त के बारे में बताता है, और इसी के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड किया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित है। ये बात कौन से अनुच्छेद में? हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। राज्यपाल की पदावधि क्या है? ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। राज्यपाल के संबंध में और जितने भी अनुच्छेद हैं, राज्यपाल के संबंध में जितने भी अनुच्छेद हैं हमने सभी के सभी एक सीक्वेंस में लिख दिया है क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहां से हमने भाई साहब इस तरीके से लिखा है डिस्क्रिप्शन कि यहां से आपके कम से कम पांच से छह क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले सीधे सीधे कम से कम। बाकी यदि आप इनको एक एक क्वेश्चन भी काउंट करते हो तो फिर तो 10+ क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब अगली बात, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो भारत पाक युद्ध 1971 के समय मुख्यमंत्री थे। भाई साहब बताओ राजस्थान के कौन सा मुख्यमंत्री है जो भारत पाकिस्तान के बीच जब 1971 में युद्ध हुआ था उस टाइम मुख्यमंत्री था? मोहनलाल जी सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, शिवचरण जी माथुर, हीरालाल जी देवपुरा। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। अरे भाई साहब मैं बता देता हूं अब आपको सीधे सीधे शब्दों में कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो भारत पाक युद्ध 1971 के समय मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। और बरकतुल्ला खां के बारे में मैं बता दूं भाई साहब, ये कब पद ग्रहण कब किया था इन्होंने मुख्यमंत्री का? 9/7/1971 में इन्होंने पद संभाला था और इन्होंने अपना पद त्याग, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसकी वजह से इनका पद कब रिक्त हो गया था? 11/10/1973 को, मतलब 11 तारीख 10वां महीना 1973 को इनकी मौत हो गई थी, तो जिसकी वजह से इनका पद रिक्त हो गया था। तो जो बरकतुल्ला खां थे इनका कार्यकाल आप देख सकते हो 9/7/1971 से 11/10/1973 तक का इनका कार्यकाल रहा था और ये पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी।
तो जो बरकतुल्ला खां थे ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई थी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको बहुत शानदार मिलने वाला है, इसका भी 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन इस वजह से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। अब भी हमारे 11 क्वेश्चन और बचे हुए, आज 25 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा सारे के सारे, हर यूनिट के, राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इको, करंट, सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आज मैं आपको, जिससे आपको पूरा अच्छे से पता चल पाए कि हमें ये बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर बहुत, डिस्क्रिप्शन भी शानदार शानदार हमने ऐड किया है। अगले क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आएंगे, जो अगले क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आएंगे यहाँ से। किस समिति की सिफारिश पर राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना जोधपुर में की गई थी? सत्यनारायण राव समिति, हरिश्चंद्र माथुर, कर्नल टीसी पुरी, बी आर पटेल। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दो। तो यहां पर सही आंसर होगा बी आर पटेल, कि बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ठीक है भाई लोगों, अब हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन बहुत गजब का है। अरे, मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पर बात की गई है मुख्य सचिव के बारे में, कि मुख्य सचिव के संबंध में कौन कौन से कथन है जो सही नहीं है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। जो मुख्य सचिव होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। ऑप्शन बी, वह राज्य सचिवालय का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन सी, वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच की दूरी है। ऑप्शन डी, वह राज्य मंत्री परिषद का कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, तो बताओ भाई साहब यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने यहां पर ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ए और डी है, ऑप्शन बी में बी और सी है, ऑप्शन सी में ए और बी है, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। अरे भाई साहब, कौन कौन सा सही नहीं है? अरे ये दो बातें सही नहीं है, कि वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच धुरी का काम करता है। हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में धुरी का काम कौन करता है, वह राज्य सचिवालय का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात भी गलत है, बाकी ये दोनों बातें सही है। उसके बाद वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर पद पर विराजमान है। वर्तमान समय में जो राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान है बताओ? गोपाल कृष्ण व्यास हैं, प्रताप कृष्ण लोहरा हैं, जस्टिस महित शर्मा हैं, या फिर जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं? बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा। देखो यहां पर सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण व्यास। क्या होगा? गोपाल कृष्ण व्यास। अब मैं गोपाल कृष्ण व्यास के बारे में बताऊं तो जो गोपाल कृष्ण व्यास है मूलतः कहाँ के हैं? बीकानेर के। कहाँ के हैं? बीकानेर के। थोड़ा सा बता देता हूं इनके बारे में, एक लाइन बता देता हूं मैं। बीकानेर के हैं मूलतः। कहाँ के हैं? बीकानेर के। दूसरी बात, ये पहले हाईकोर्ट में क्या थे? न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश थे। तो क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा जा चुका है, जैसे पिछला जो अभी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसको बहुत घुमा फिरा के पूछा था कि वर्तमान समय में, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि वर्तमान समय में राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर विराजमान गोपाल कृष्ण व्यास इससे पहले किस पद पर विराजमान थे वो? तो वो थे राजस्थान के हाईकोर्ट में न्यायाधीश। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि आरपीएससी के संबंध में कौन सी बात यहाँ पर गलत है, बताओ। और देखो भाई साहब, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, यदि आप हमारा ये मॉडल पेपर वाला सिस्टम लेते हो ना, तो आपको मैं हर तीसरे दिन, कब? हर तीसरे दिन क्या दूंगा? हर तीसरे दिन एक एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। जैसे एक दिन राज्यपाल का दे दिया, एक दिन मुख्यमंत्री का दे दिया, एक दिन मेवाड़ वंश का दे दिया, एक दिन चौहान वंश का दे दिया, इस तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में सारा सारा चलेगा। एक दिन नदियों का दे दिया, एक दिन झीलों का दे दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया। बाकी मैंने अपना जो बैच था उसमें तो मैंने 10,000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दिए थे उनकी पीडीएफ बना के, लेकिन यहां पर मैं आपको उनमें से सेलेक्टेड
टाइप करवा के दूंगा मैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में टाइप किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आरपीएससी के संबंध में कौन सा, हाँ बैच के लिए आप, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा लिख देता हूँ, 78 91 35 04 70, चार्ज ओनली 200 रुपये, चार्ज आप फोनपे गूगल पे पेटीएम से पे कर दो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम नंबर और फोनपे गूगल पे पेटीएम तीनों नंबर हैं, आप इनके पर मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो और डायरेक्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है। आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आरपीएससी के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी रहे, सर शरद कुमार घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे, न्यूनतम समय तक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा रहे, हबीब खान गोरान ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। बताओ भाई साहब, बताओ रे बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अरे देखो यहाँ पर गलत बात क्या है, देखो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरपीएससी के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी रहे, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कितने टाइम तक रहे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सर शरद कुमार घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे, बात बिल्कुल सही है। न्यूनतम समय तक अध्यक्ष कौन थे, श्याम सुंदर शर्मा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर गलत है कि न्यूनतम समय तक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा थे, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि जो न्यूनतम समय तक इसके अध्यक्ष थे वो थे पी एस यादव। कौन थे, पी एस यादव, और उनका कार्यकाल कितना था, ओनली 37 दिन का था, कितना था, ओनली 37 दिन का, ठीक है। तो ध्यान रखना आरपीएससी का, यदि अध्यक्ष की बात की जाए कि आरपीएससी का कौन सा अध्यक्ष था जिसका कार्यकाल न्यूनतम रहा, तो वो थे पी एस यादव, जिनका कार्यकाल ओनली 37 दिन का रहा था। हबीब खान गोरान ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, बताओ भाई साहब, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, जुलाई 1992, जुलाई 1993, जुलाई 1994 और जुलाई 1995। तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में, ठीक है। और इसके यदि हम प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। अब भाई साहब आपको डिस्क्रिप्शन में क्या बात मिलने वाली है कि वर्तमान में इसके कौन है, ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, उससे पहले वाले अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, वो कितने टाइम तक रहे थे, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कितने टाइम तक रहे, उनका उन्होंने पद ग्रहण कब किया था। तो ये हम इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है आपको। वर्तमान में राजस्थान राज्य के लोकायुक्त कौन है, बताओ भाई साहब। अरे वर्तमान समय में भारत के राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो कौन है, पी के लोहरा है। कौन है, पी के लोहरा वर्तमान में राजस्थान राज्य के लोकायुक्त हैं। इनमें से कौन कभी भी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, एक ऐसी लेडीज है यहां पर, एक ऐसे कैंडिडेट है यहां पर जो कभी भी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, तो आपको उनका नाम छांटना है यहाँ से। एक है कांता भटनागर, दूसरा है पवन सुराना, तीसरा है तारा भौरी, चौथा है लाड कुमारी जैन। बताओ इनमें से एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कभी भी राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, बताओ। वो है भाई साहब कांता भटनागर। कांता भटनागर एक बार भी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्राकृतिक भौगोलिक स्वरूपों, यहाँ पर स्वरूप है, स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, अरावली का उद्गम कैलिडोनियन काल में हुआ था या कैलिडोनियन काल में हुआ था, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शुष्क मरुस्थल में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व पठार पोटवार के पठार का अंग है। बताओ यहां पर कौन सा सही नहीं है राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के बारे में,
बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर दो। अरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर तीसरा और चौथा गलत है। अरे पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, वो तेथिस सागर का अवशेष है। अब ये आप बोलोगे सर तेथिस सागर क्या है, देखो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग हुए थे, जब पेंजिया का विभाजन हुआ था, तो उसमें बीच में एक दरार पड़ गई थी जिसको हम तेथिस सागर बोलते थे, ठीक है। अरावली के उद्गम कैलिडोनियन काल में हुआ था, इसको हम प्री कैब्रियन काल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, प्री कैब्रियन काल भी बोल सकते हो इसको आप। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शुष्क मरुस्थलों में पाया जाता है, ये बात गलत है। शुष्क मरुस्थलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूर्व के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार है जो मालवा के पठार का अंग है, ना कि पोटवार के पठार का। किसका है? मालवा के पठार का अंग है। तो जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो मालवा के पठार का अंग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व शुष्क मरुस्थलों में, ठीक है। बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? बताओ भाई साहब, फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बताओ। तो शानदार सा क्वेश्चन है भाई साहब, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोली जाएगी। कहाँ पर? अरे जोधपुर में खोली जाएगी। अब उसके थोड़ा आगे चलते हैं। रसोई, इंदिरा रसोई योजना के संबंध में कौन सी बात, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा रसोई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई। इसमें सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें सालाना 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 8 रुपए व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कुल खर्च 20 रुपए होगा, ठीक है। इसमें 8 रुपए में व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये भोजन नहीं है, भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन में आपको इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अब भी क्या होगा, इसका करेक्शन होगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी है, इसका करेक्शन होगा, उसके बाद बनेगा ये। तो देखो यहाँ पर यह 4 ऑप्शन है, ए डी बी सी ए बी ऑल ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर सही क्या पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यहां पर गलत कौन सा है? बी और सी गलत है। यहां पर क्या है? बी और सी यहां पर पूर्ण रूप से गलत है। मतलब ये बात और ये बात दोनों यहां पर गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल सुबह का, दोपहर का भोजन ही मिलता है, शाम का नहीं मिलता है। कब का मिलता है, कब का नहीं मिलता, इसके बारे में मैंने पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि इसमें सुबह का भोजन मिलता है कि शाम का मिलता है कि दोपहर का मिलता है। इसमें सालाना कितना खर्च होगा ये भी मैंने लिख दिया। बाकी ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, पहली और चौथी। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986-87 में, 1987-88 में, 2003-04 में, 2005-06 में, बताओ। राजस्थान में कंदरा सुधार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? अरे भाई साहब 1987-88 में। अरे कंदरा सुधार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1987-88 में, और 8 जिलों में हुआ था ये। कितने में? 8 जिलों में, हाड़ोती में और भरतपुर संभाग में, 8 जिलों में हुआ था। कितनों में? 8 जिलों में, जिसमें एक हाड़ोती क्षेत्र था, दूसरा भरतपुर संभाग था। अब आपको पता होना चाहिए कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। राजस्थान में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? बताओ भाई साहब कि राजस्थान में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 1995, 1 अक्टूबर 1995, 15 अगस्त 1995, 15 नवंबर 1995। तो राजस्थान में जो मिड डे मील योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करके बताना। यहाँ पर मैंने केवल क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप किया है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया, उसके आंसर नहीं किए। ये आपको 27 तारीख को जब पेपर दोगे वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 27 तारीख का पेपर हमारा टेलीग्राम पर होगा, उसके बाद के सारे सारे पेपर एप्लीकेशन पर होंगे,
तो वहां पर तो आपको जैसे एक बार पूरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिट करोगे, सबमिट के बाद आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पर आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाएगा। और यहां पर मैं जो 27 को पेपर होने वाला है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूसरे पीडीएफ में दूंगा। पहले हमारा पेपर हो जाएगा, उसके तुरंत बाद मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें आंसर की और सॉल्यूशन होगा, फिर आपका रिजल्ट देख के और ओवरऑल रैंक निकाली जाएगी। एप्लीकेशन में भी आपकी ओवरऑल रैंक निकलेगी कि टोटल कितने कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं और उनमें से आपकी पोजीशन क्या है, और टॉप 10 के बारे में आपको बताया जाएगा कि टॉप 10 में कौन चल रहा है, ठीक है, उनके कितने नंबर हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन में आपकी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि मेरे पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, दूसरे में कितने आए तो कितनी परसेंट वृद्धि हुई, तीसरे में कितने आए तो कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई या कितना परसेंट घटोतरी हुई, ये सारा सारा सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर बहुत शानदार तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, चार्ज पे कर 200 रुपये, 78 91 35 04 70, ये हमारे नंबर हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय मेरे प्यारे लाडलो।